ओके स्टार्ट करते हैं। जो हम लोगों ने कल देखा था होमवर्क, वो वाला होमवर्क एक बार फटाफट बना के बता देता हूँ। जैसे y इक्वल टू टू टाइम्स कर दिया, तो टू टाइम्स करने का मतलब क्या होता है ना कि देखो आपकी लाइन ऐसी थी पहले, आप स्लोप बढ़ के उसका थोड़ा ऐसा हो गया, ठीक है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन भी सिमिलरली वैसा ही है। आपने क्या करा, इस वाले ग्राफ की जो चोंच है ना उसको पकड़ के -9 पे रख दिया है। सेम ग्राफ है, देखो ना सेम चीज है एग्जैक्टली। आप ये +9 हटा दोगे अगर, तो ये ग्राफ और ये ग्राफ में फर्क नहीं है। लेकिन अगर +9 लगाते अपन, तो हो क्या रहा है कि जो नीचे वाला ग्राफ बना है उसका जो चोंच है वो यहां पे आ जाएगा -9,0, ठीक है। अच्छा ये है मॉड ऑफ एक्स -7। मॉड एक्स क्या होता है अपने पास, ये ग्राफ होता है, इसको आप -7 यूनिट नीचे खिसका दो, है ना। ये पूरा का पूरा ग्राफ जो है वो नीचे खिसक जाएगा, ऐसा कह रहा है। तो एक बार अच्छे से बना लेते हैं इसको, 1 सेकेंड। तो ऐसे मैंने बना दिया 0,-7, और यहां पर क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एक्स -7। तो बेसिकली मॉड एक्स का ग्राफ जो है उसकी चोंच पकड़ के आप 7 पॉइंट पे रख दें, 7, ठीक है। तो यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल शिफ्ट होगा, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल शिफ्ट जो है वो आपको देखना आना चाहिए। मैंने सबको होमवर्क चेक किया था आप लोगों का, तो सबका जो था मेजरली करेक्ट था होमवर्क, ओके। किसी की कोई ऐसे खास इशू नहीं दिखे मुझे। ये वाला ग्राफ देखते हैं, सेम ये वाला जो ग्राफ है ना 2x वाला, उसकी चोंच पकड़ के आपने 7 पे रख दी, तो 7 पर नॉट -7 +7 पर रखी गई है। तो +7 पर चोंच रखोगे तो वो ऐसा दिखने लग जाएगा, ठीक है। अब इसको आप 7 यूनिट्स नीचे खिसकाना चाह रहे हो, तो 7 यूनिट्स नीचे खिसकाएंगे इसको, तो कौन से पॉइंट पे खिसक जाएगा, इसका वर्टेक्स आ जाएगा 7,-7 पे, 7,-7 पे वर्टेक्स आ जाएगा। तो इसकी रेंज आप बता सकते हो, रेंज क्या हो जाएगी, -7 से लेकर इन्फिनिटी, ठीक है। और डोमेन तो सबकी ऑल रियल नंबर आएगी, कर सकते हो ऐसे सारे क्वेश्चन आप आराम से अब, ठीक है। अच्छा तो सिग्नम का क्वेश्चन जो देख रहे थे अपन, वो देख रहे थे डोमेन एंड रेंज ऑफ सिग्नम कॉस एक्स, है ना। सिग्नम ऑफ कॉस ऑफ एक्स का रेंज आपको देखना है, डोमेन देखना है। सबसे पहली बात तो आपने सिग्नम देखा, सिग्नम देखते ही आपको क्या सोचना है बच्चों, कि ये जो सामने वाली चीज लिखी हुई है ना, सिग्नम के सामने वाली जो चीज लिखी हुई है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है या जीरो है। तो हमको कॉस एक्स की औकात तो पता है कितनी होती है, कॉस एक्स की औकात जो होती है वो -1 से 1 होती है। मतलब कॉस एक्स जब उल्टी करेगा तो ये सारे नंबर्स बाहर आएंगे, है ना। और ये जितने भी नंबर्स बाहर आ रहे हैं वो सिग्नम को इनपुट के तौर पर मिल रहा है, समझ में आ रहा है। कॉस एक्स का जो आउटपुट है, कॉस एक्स का आउटपुट क्या है, ये सारे नंबर, और वो सिग्नम को इनपुट के रूप में मिल रहा है, ये समझ में आ रहा है ना। अच्छा तो सिग्नम को क्या क्या इनपुट के रूप में मिला, -1 से 1 के बीच में तमाम जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे नंबर सिग्नम को इनपुट के रूप में मिल रहे। तो -1 से 1 के बीच में ये 0 आएगा यहाँ पे ना। कुछ नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, कुछ पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, और 0 भी होता है, है ना। एक बार मैं समझाऊंगा, रिपीट नहीं करूंगा, ध्यान से सुनना, है ना। तो जो सिग्नम को मिल रहा है इनपुट वो क्या है, -1 से 1 की सारी दुनिया। तो उसको नेगेटिव नंबर्स भी मिल रहे हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी मिल रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव और 0 सब मिल रहा है। तो वो क्या क्या आउटपुट में देगा आपको, नेगेटिव जब जब मिलेगा तब वो आउटपुट में -1 देगा, जब जब उसको 0 मिलेगा एक बार तब वो 0 आउटपुट में देगा, अदरवाइज इट विल गिव आउटपुट एज 1, है ना। इजियर वन, काफी आसान था ये, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं फिर अपन आगे बढ़ेंगे, लिखिए इसको, सॉल्व करो, आप मेरे को बताना, ठीक है। सिग्नम ऑफ कॉस ऑफ साइन ऑफ एक्स, ठीक है। ठंडे दिमाग से सोचो, कोई ऐसा आपको क्या सोचना है, सिग्नम के सामने का मसाला, सिग्नम के सामने का मसाला पॉजिटिव है या नेगेटिव है या जीरो है, बस इतना सोचो। और अगर तीनों हो सकता है, जैसे यहाँ पर सिग्नम के सामने जो नंबर था वो नेगेटिव भी हो रहा था, पॉजिटिव भी हो रहा था और 0 भी हो रहा था, है ना, ठीक है। बताओ सिग्नम ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स, आराम से देखो, है ना। आपको देखना क्या, देखो जब भी ऐसे अपने पास फंक्शन आते हैं कि कोई फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन हो, ये सिग्नम के अंदर कॉस है और कॉस के अंदर साइन है, तो बेसिकली ये जो है फंक्शन के अंदर फंक्शन चल रहा है ना। तो आपको देखना है कि ये वाला साइन जो है ये आउटपुट क्या देगा, जो भी आउटपुट देगा वो -1 से 1 की आउटपुट देगा, और ये पूरा आउटपुट जो है वो कॉस को मिलेगा इनपुट के तौर पर, समझ में आ रहा है।
ठीक है, सॉल्व करो, ट्राई करो, हर कोई बता सकता है आप में से। चलिए देखते भाई, समझो इसको ध्यान से समझो। सिग्नम को इनपुट के तौर पे कॉस मिल रहा है, कॉस को इनपुट के तौर पे साइन मिल रहा है। अच्छा, तो हम देखेंगे कि साइन जो उल्टी करेगा, साइन जो आउटपुट देगा वो क्या देगा, माइनस वन से वन, और साइन ने जो आउटपुट दिया वही आउटपुट कॉस को मिलेगा। तो कॉस को जो आउटपुट मिल रहा है उसके लिए अपन क्या करते हैं, कॉस का ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, कॉस का ग्राफ मैं बनाता हूँ आपके सामने। तो देखो कॉस का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है, पता है ना सबको ये। तो ये हो गया कॉस का ग्राफ, ये पॉइंट है जीरो और ये पॉइंट कितना हो जाएगा पाई बाई टू, ये पॉइंट कितना हो जाएगा थ्री पाई बाई टू, और ये पॉइंट हो जाएगा माइनस पाई बाई टू, ये पॉइंट हो जाएगा माइनस थ्री पाई बाई टू। ये तो अपने को पता ही। अच्छा, पाई बाई टू का वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो लगभग लगभग 1.757 के आसपास आएगा, और ये माइनस 1.57 के आसपास आएगा। हमको क्या चाहिए देखना ध्यान से ना, जो कॉस है, चलिए y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ कॉस ऑफ, कॉस जो है उसको इनपुट के तौर पे क्या मिल रहा है, माइनस वन से वन के बीच के तमाम सारे जितने भी नंबर्स होते हैं वो कॉस को इनपुट के रूप पे मिल रहे हैं, है ना। तो बताओ यहाँ पर नंबर लाइन पे माइनस वन कहाँ पर आएगा, अगर ये माइनस 1.57 है तो इसके थोड़े से राइट में माइनस वन आएगा और यहाँ पर प्लस वन आएगा, समझ में आ रहा है। तो कॉस को इनपुट के रूप में क्या क्या मिला है, ये वाले नंबर्स मिले, है ना, ऐसे सोचो। फिर से मैं समझा रहा हूँ, सिग्नम के अंदर कॉस, कॉस के अंदर साइन, ठीक है, साइन जो है वो आउटपुट, साइन की औकात जो होती है वो माइनस वन से वन होती है, माइनस वन से वन होती है, और गलत है आपका, है ना आदित्य, एक बार और चेक करो, माइनस वन से वन इसकी औकात होती है। तो ये इतना ही नंबर जो है उल्टी करेगा और वही सारे नंबर कॉस को इनपुट के रूप में मिल रहे हैं। तो कॉस को जो इनपुट मिल रहा है वो ये मिल रहा है माइनस वन से वन, तो कॉस का आउटपुट देखते क्या आएगा, माइनस वन के करस्पॉन्डिंग ये आउटपुट आएगा कॉस के पास, और बीच में आउटपुट ये वाले देगा कॉस, और वन पर आउटपुट ये देगा। अच्छा मुझे बताओ कि ये जितने भी आउटपुट आ रहे हैं जिसको मैंने येलो से शेड करा है, ये डेफिनेटली पॉजिटिव है क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर है ना भाई, एक्स एक्सिस के नीचे वाला हिस्सा होता तो नेगेटिव होता, बट एक्स एक्सिस के ऊपर वाला हिस्सा है तो डेफिनेटली क्या है, पॉजिटिव है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है सबको। कॉस के अंदर क्या था, साइन, साइन ने क्या दिया ये, तो साइन ने जो दिया वो कॉस ने लिया, और कॉस ने क्या करा, माइनस वन से वन लिया, तो कॉस ने फिर रिटर्न में क्या दिया, कुछ पॉजिटिव नंबर्स दिए, हमेशा पॉजिटिव दिए, कभी भी नेगेटिव नहीं दिया, ना कभी जीरो दिया। तो कॉस के सामने ये जो भी चीज लिखी है माइनस वन से वन, दिस विल बी डेफिनेटली पॉजिटिव, ठीक है। तो सिग्नम के सामने क्या लिखा, सिग्नम ऑफ पॉजिटिव नंबर, सिग्नम ऑफ पॉजिटिव नंबर क्या होता है, हमेशा हमेशा वन। तो इस वाई का आंसर जो होगा ना वो हमेशा वन आएगा, एलिमेंटल वन, सिर्फ वन आएगा, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं आएगा। तो एक ही आंसर आएगा रेंज में, तीन नहीं आएंगे ना, ठीक है, लिख डालो इसको। कहानी समझो आप लोग, समझो कहानी, साइन जो देगा आउटपुट में वो कॉस को इनपुट के रूप में मिल रहा है, है ना, साइन का आउटपुट जो होता है वो इतना ही होता है मैक्सिमम माइनस वन से वन, ठीक है। चलिए अगला लिखते हैं अपन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये अपन पढ़ चुके हैं, पढ़ा तो अपन ने काफी कुछ है लेकिन देख लेते एक बार, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका एक और नाम होता है स्टेप अप फंक्शन, स्टेप अप फंक्शन, क्योंकि इसका जो ग्राफ होता है वो सीडीओ की तरह होता है, सीडीओ समझते ना, स्टेयरकेस, उसकी तरह इसका ग्राफ होता है। देखते भाई, पहले मैं आपको समझा देता हूँ साइड में, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को स्क्वेयर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है ना, स्क्वेयर ब्रैकेट। अच्छा, स्क्वेयर ब्रैकेट के अंदर अगर आपने एक्स डाल दिया तो इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। काम कैसे करता है,
ये काम ऐसे करता है कि अगर आपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, देखो क्वेश्चन के अंदर अगर स्क्वायर ब्रैकेट आता है तो आपको अलग से स्पेसिफाई किया जाएगा कि ये वाला जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये नॉर्मल ब्रैकेट की तरह नहीं है, है ना, दिस इज अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो मैं आपको बताता हूँ कुछ कुछ वैल्यूज, जैसे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.12 ये निकालना है मेरे को। तो 1.12 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, बहुत ही आसान और बहुत ही सस्ता और सुंदर और टिकाऊ तरीका बता रहा हूँ, है ना, एक बार में कभी आपसे गलती नहीं होगी। आपको क्या बताना है कि जो भी नंबर है, जैसे 1.12, अच्छा इसके लेफ्ट मोस्ट पे सबसे नजदीकी इंटीजर कौन सा होगा, नियरेस्ट इंटीजर टू द लेफ्ट 1 होगा, है ना, तो 1 इसका आंसर आ जाएगा, खत्म। तो इसका नाम ही है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, का मतलब क्या होता है लिखो, द फंक्शन पहले लिखवा देता हूँ मैं, ना थोड़ा सा अपने को समझ में आया है, द फंक्शन वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वेयर ब्रैकेट ऑफ एक्स इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वेयर दिस पर्टिकुलर थिंग डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। लिखो फिर मैं आपको समझाता हूँ। सॉरी, दो सेकेंड वेट कीजिएगा ना, ऐप जो है वो शटडाउन हो गया, क्रैश हो गया। देखो आप, मैं बोल के बता देता हूँ, द फंक्शन वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ब्रैकेट एक्स इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वेयर ब्रैकेट ऑफ एक्स डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये चीज़ अपन ने पढ़ी भी थी फेब्रुवरी में, है ना, इसी साल अपन ने फेब में पढ़ा था ये वाली चीज़। ओके, डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर, अच्छा यहाँ से मिट गया है ना, कोई बात नहीं, लेस देन और इक्वल टू एक्स। ठीक है, चलेगा। चलो बताओ मेरे को, यहाँ पे लास्ट लाइन जो है इसको पढ़ो, डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, मतलब एक्स क्या था आपका 1.12, 1.12 से छोटा इंटीजर आपको बताना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब जो कि एक्स से छोटा हो या बराबर हो। एक्स मतलब क्या, 1.12, 1.12 से छोटा कोई इंटीजर बताओ 1, और भी छोटा इंटीजर 0, लेकिन आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर बताना है, और भी छोटा इंटीजर इससे होगा -1, बहुत सारे छोटे इंटीजर है, इस पर्टिकुलर नंबर से छोटे इंटीजर इस दुनिया में बहुत सारे हैं, लेकिन उन सारे इंटीजर में जो सबसे ग्रेटेस्ट है वो आपको रिपोर्ट करना है, दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो इसलिए अपन बोलते हैं इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, लेकिन सस्ती भाषा में जो मैं बताऊंगा ना कि नंबर लाइन में आपको बस एक स्टेप पीछे जाके इंटीजर ढूंढना है तो काम आपका हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूँ 2.25, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ क्या आएगा, इमेजिन कर सकते हैं ना, 2.25 से जस्ट लेफ्ट में 2 आएगा। फिर मैं आपको अगर बताता हूँ कि 7.643, बताओ भाई इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, 7, क्योंकि इसके जस्ट पहले आपको जो इंटीजर मिलेगा दैट विल बी 7। अच्छा, -3.14 का GIF बताओ, सोच समझ के बताना है ना, नेगेटिव नंबर में बच्चे जो फड़फड़ाने लग जाते हैं, यहाँ पे क्या आ रहा है -3.14। अच्छा, -3.14 के लेफ्ट में जाएंगे अपन, अगर लेफ्ट में जाएंगे तो कौन सा आपको नियरेस्ट इंटीजर मिलेगा, -4। ओके, सो द आंसर शुड बी -4 नॉट -3, ध्यान रखिएगा इस बात का, हमको लेफ्ट में जाना होता है। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन दिस नंबर, इस नंबर से सबसे
इस नंबर से छोटा नंबर बताना है आपको जो इंटीजर हो बस, ठीक है। अच्छा तो नेगेटिव नंबर में कोई दिक्कत नहीं है, फड़फड़ाने की जरूरत नहीं। जैसे माइनस 0.5 दिया मैंने, तो इमेजिन करो ना, आग बंद करके आप सोच सकते हो माइनस 0.5 कहाँ होगा, जहां पर भी होगा उसके लेफ्ट साइड में माइनस 1 होगा, ठीक है। इस तरह से माइनस 0.5 इधर 0 होगा और इधर 1 होगा, तो लेफ्ट साइड में जाओ, सॉरी माइनस 1 होगा, लेफ्ट साइड में जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस 1 मिलेगा, तो माइनस 1 इज योर आंसर। तो जी आई एफ अपने को समझ में आ रहा है। अच्छा ये तो अपना हो गया, चलो एक सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है ना। लेकिन अगर मैं आपके सामने ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ, तो ग्राफ देखो कैसे बनेगा। अगर आपका x, ध्यान से देखिएगा ना, ये वाली चीज़ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टाइप करना पड़ेगा आपको, है ना। अगर आपका x 0 से 1 के बीच में है, 0 से 1 के बीच में कैसे होते हैं नंबर बताओ, किस तरह के नंबर पाए जाते हैं, 0 point something टाइप के, है ना, बहुत छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट नंबर पाए जाते हैं 0 से 1 के बीच में, ऑल फ्रैक्शनल नंबर्स, ठीक है। वो जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी फ्रैक्शनल नंबर्स है, उन सबका जी आई एफ अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा, देखते हैं अपन, ना y इज इक्वल टू ब्रैकेट ऑफ x, ब्रैकेट ऑफ x बोला जाता है कई बार इसको, अपन ब्रैकेट x बोलते हैं ताकि वो समझ में आ जाए कि हाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x है। अब पूरा तो बोल नहीं सकते, तो जी आई एफ ऑफ x बोलेंगे या फिर ब्रैकेट ऑफ x बोलेंगे, ठीक है। ओके तो अब मुझे बताओ, 0 से 1 के बीच में अगर कोई नंबर है टाइप करो तो उसका जी आई एफ कितना आएगा, रख के देख लो ना, कोई भी नंबर 0 डालो यहाँ पे, 0 का जी आई एफ 0। अच्छा यहाँ पे मैंने इंटीजर का नहीं बताया ना, कुछ लोग उसमें ही फड़फड़ा गए होंगे, देखो भाई यहाँ रखो आप ग्रेटेस्ट इंटीजर 4, तो क्या 4 के लेफ्ट मोस्ट पे जाने की जरूरत नहीं है भाई, जब खुद ही बगल में छोरा है तो फिर कहाँ इधर उधर जाए, तो आप 4 जो है वो खुद ही इंटीजर है, तो यही आंसर आ जाएगा। और अगर मैं -4 बोलता हूँ तो भी आपका आंसर -4 आएगा, ठीक है। तो 0 रखोगे तो 0 का जी आई एफ 0, 0.5 रखोगे 0.5 का जी आई एफ क्या आ जाएगा, अगेन 0, क्योंकि 0.5 का जी आई एफ अपन ने यहाँ नहीं निकाला, बट फिर भी अपने को समझ में आना चाहिए कि 0.5 इधर आएगा, इसके लेफ्ट मोस्ट पे 0 आएगा, तो इसके लेफ्ट मोस्ट पे जाएंगे तो अपने को 0 ही मिलेगा। ओके तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब आपको टाइप करना है ना, वाई इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू, अब ये वाला इंटरवल मैंने कहा लिया 0 से 1, और ये लेफ्ट वाले पे मैं हमेशा क्लोज ब्रैकेट लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं 0 से 1 के बाद 1 से 2 लूंगा, ओपन क्लोज तरीका ही है, ओपन क्लोज इज अ वे कि आपका जो सब कुछ है सिस्टमैटिक चले, हमेशा लेफ्ट वाला इंक्लूडेड हो, राइट वाला एक्सक्लूडेड हो, है ना, और वो जी आई एफ का सेंस भी बनाएगा ना। तो चलिए अब 1 से 2 के बीच में जो नंबर होते हैं वो किस तरह के होते हैं, 1.1, 1.3, 1.999 इस तरह के नंबर होते हैं ना। अच्छा इन सबका जी आई एफ निकालोगे, निकालो 1.1 का जी आई एफ 1, इसका जी आई एफ 1, 2 नहीं आएगा, 1 आएगा, 2 जैसा दिख रहा है, और 1.999 का जी आई एफ भी 1, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन व्हेन x बिलोंग्स टू 2 से लेकर 3, नेक्स्ट इंटरवल जो है 2 से 3 के बीच में कैसे नंबर पाए जाते हैं, 2.1, 2.2, 2.77 टाइप, है ना, 2.999, इन सबका जी आई एफ निकालो, क्या आएगा, 2 आएगा। तो आपको हमेशा इस इंटरवल के लिए इस जी आई एफ का वैल्यू क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। मैं तोड़ क्यों रहा हूँ इसको, तोड़ के मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ ना, क्योंकि मेरे को ग्राफ बनाना है, अब मैं ग्राफ बनाता हूँ। अच्छा चलो एक काम करते हैं, एक हल्की सी और अपन कोशिश करते हैं, जैसे इसको मैं मिटा रहा हूँ अभी ना, देखना आप लोग ध्यान से, आप लिखते जा रहे हैं। अच्छा 0 से 1 से पहले कौन सा इंटरवल आएगा, 0 1, अरे यार ये लिखा ना अपने पास, देखो नंबर लाइन बनी हुई है, तो 0 से 1 का इंटरवल ये था, उसके पहले का इंटरवल क्या होगा, ये -1 से 0, तो ये वाला देखते हैं -1 से 0, ये ओपन और ये क्लोज, ठीक है। वाई इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, बताओ भाई -1 से 0 ये वाले इंटरवल में किस तरह के नंबर पाए जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं, -0.7, है ना, एक एग्जांपल दीजिए, इसका जी आई एफ क्या आएगा बच्चों, -0.7 यहाँ पे पाया जाएगा, इसके लेफ्ट साइड पर नजदीकी इंटीजर कौन सा मिला आपने को, -1, तो जी आई एफ आएगा -1, वो हर नंबर के साथ होगा, हर नंबर के साथ आपको जी आई एफ जो है वो -1 मिलेगा। अच्छा ये देखो अब ध्यान से समझना ना, 0 से 1 तक का ग्राफ अगर बनाना है, 0 से 1 सिर्फ x 0 से 1 रखोगे तो आपका ग्राफ जो आएगा ना y इक्वल टू 0 आएगा। अगर आपने x की वैल्यू 1 से 2 रखी तब आपका ग्राफ जो है y इक्वल टू 1 बनेगा। y इक्वल टू 1 अपने को आता है कैसा होता है, y इक्वल टू 1 कैसा ग्राफ होता है,
एक सेकेंड रुकिएगा। ये रहा अपना ग्राफ, ये रही एक्स एक्सिस, ये रही वाई एक्सिस। अच्छा, पहले अपने को कौन से इंटरवल के लिए बना लेना चाहिए? इसके लिए 0 से 1 के लिए, है ना। ध्यान देना बच्चों, 0 पॉइंट यहां पर आता है ना, और 1 पॉइंट यहां पर आता है। जब आप इस इंटरवल में चर्चा करोगे, चर्चा समझते हो ना आप लोग, जब आप इस इंटरवल में चर्चा करोगे तो आपका ग्राफ कैसा दिखेगा? आपका ग्राफ दिखेगा वाई इज इक्वल टू जीरो। वाई इज इक्वल टू जीरो इज अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बट मैं आपको ना येलो कलर की इंक से बना के देता हूँ। जैसे यहाँ पर 0 हो गया 1 हो गया 2 हो गया 3 4, पहले नंबर्स जो है उसको मार्क कर दिया जाए। -1 -2 -3 -4। ठीक है, चलिए। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 0 से 1 के लिए ग्राफ क्या आएगा? y इज इक्वल टू जीरो। y इज इक्वल टू जीरो जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है? ऐसा, दिस इज y इज इक्वल टू जीरो। अरे y इज इक्वल टू जीरो इज x एक्सिस होता है। चलिए 1 से 2 पे आते हैं। 1 से 2 पे आया अपन, ये वाला 1 से 2 पर आपका ग्राफ कैसा रहा? y इज इक्वल टू 1, है ना। y इज इक्वल टू 1 ग्राफ जो आ रहा है, y इज इक्वल टू 1 ग्राफ कैसा दिखेगा? ऐसा, दिस इज y इज इक्वल टू 1 का ग्राफ। समझ में आ रहा है? अच्छा, एक चीज देखना है अपने को बच्चों, इधर देखो, यहां पे क्या लिखा है, 1 पर स्क्वायर ब्रैकेट है, तो 1 पर इंक्लूड करेंगे अपन। 1 पर इंक्लूड करेंगे, इसका मतलब क्या होगा? यहां पे डार्क सर्कल आएगा। इंक्लूड करने पे डार्क सर्कल आता है, और 2 पर एक्सक्लूड करना है अपने को, तो हॉलो सर्कल आएगा। दिख रहा है आपको, 2 पर एक्सक्लूड कर रखा है अपन ने। अच्छा, 2 से 3 पे आते हैं, 2 से 3 पे आएंगे तो 2 पर इंक्लूड करेंगे, 3 पर एक्सक्लूड करेंगे, वो तो बात की बात है। लेकिन देखो ग्राफ कैसा बन रहा है आपका, y = 2। y = ग्राफ कैसा 2, ऐसा ग्राफ होता है। तो y = 2 ग्राफ आपका इस तरह से हो जाएगा, है ना। और 2 पर इंक्लूड करेंगे और 3 पर एक्सक्लूड करेंगे। ठीक है, ये वाले को मैं ढंग से बना देता हूँ ऐसा। बस इसके बाद अपन गधे थोड़ी, अपने को समझ में आ गया कि ये जो ग्राफ है इस तरह से ऊपर चलता चला जाएगा, है ना। इसको आप एंडलेसली ऊपर पहुंचा सकते हो, है ना। तो ये ऐसे ऊपर चलता चला जाएगा, खत्म नहीं होगा, है ना। इट विल नेवर एंड। ये ऐसे ऊपर चलता चलाएगा और ये नीचे भी आएगा। तो नीचे कैसे आता है? पहले डार्क से लेकर हॉलो, फिर एक स्टेप नीचे, डार्क से लेकर हॉलो, डार्क से लेकर हॉलो। ठीक है, चलेगा। अच्छा, ये लाइन क्या होगी? -1, y इक्वल टू -1। चेक कर लेते ना, डरो मत। -1 से 0, ये वाले इंटरवल में अपने को चेक करना है। ठीक है, तो -1 से 0 पर जो ग्राफ बना था वो क्या बना था? y इक्वल टू -1। और y इक्वल टू -1 अपने को सबको आता है ना, ये y इक्वल टू -1 ऐसी लाइन होती है। ये आपकी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है अगर, तो ये लाइन होगी y इक्वल टू -1, है ना, क्योंकि ये -0, -1 से पास हो रही है। लेकिन अपने को सिर्फ इतने से इंटरवल के लिए चाहिए, ये वाले इंटरवल के लिए चाहिए, है ना। ठीक है, और ये वाली लाइन हो जाएगी y इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू -3। तो ये जो है ना, दिस इज द ग्राफ ऑफ, अच्छा यहाँ पे हॉलो और डार्क जो है मैंने बनाया नहीं था, बट समझ गए ना, अब तो समझदार हो। ये ग्राफ है स्टेप अप फंक्शन का। तो ये किसका ग्राफ है? y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। इसको स्टेप अप फंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि सीढ़ियों की तरह है। दिख रहे ना आपको, स्टेप पे ऊपर चलते चले जाओगे, सीढ़ियों की तरह स्टेप्स बने हुए हैं यहाँ पे। इसको अपन स्टेप अप फंक्शन कहते हैं। ठीक है, आपके सिलेबस में एक और फंक्शन आ सकता है, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, दैट यू कैन डू, है ना। वो जेई में नहीं पूछा जाता है, कभी पूछा नहीं गया है, और अगर पूछा जाए भी तो कुछ है नहीं, है ना। आपको नंबर लाइन पर राइट साइड देखना है बस उसमें, बट उसका अभी लोड मत लो, वक्त आने पर अगर ऐसा हुआ तो अपन उसको देख लेंगे। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ हो गया। अच्छा, डोमेन की बात करते हैं, डोमेन पे आ जाओ। अच्छा, कोई ऐसा नंबर है जो आप इसके अंदर रख नहीं सकते हो? एक्स की जगह आप कोई नंबर ऐसा है जो रख नहीं सकते हो? सोचो, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो आप एक्स की जगह रख नहीं सकते हो, है ना। मतलब सारे नंबर रख सकते हो, चले
आप कोई भी नंबर है सोच के देखो, यहाँ जीरो डाल दो तो जीरो का जीआईएफ आपको जीरो फेंक के देगा, आप 0.1 डाल दो तो भी आपको जीरो फेंक के देगा, आप 1.1 डाल दो तो आपको वन फेंक के देगा, समझ में आ रहा है? तो आप कुछ भी रख सकते हो, समझ में आ रहा है? रेंज निकालते हैं, रेंज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ना, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर पाताल लोक से आकाश लोक जा रहा है तो ऑल रियल नंबर आएगा रेंज। ऐसा नहीं है भाई, किसने कह दिया आपको? रेंज वो वाले वैल्यूज ऑफ वाई होते हैं जो एक्चुअली अटेन हो रहे हैं, जो एक्चुअली अपने को मिल रहे हैं। तो जैसे आपने अगर ये नंबर रखा तो आपको मिलेगा क्या आउटपुट के रूप में? ये दैट इज -3। अगर आपने इसके जस्ट थोड़ा सा साइड वाला नंबर रखा तो भी आपको क्या मिलेगा? थोड़ा ग्राफ जो है ना बहुत घिनौना सा बन गया, आप समझ जाना, ये नॉट बैड, तो भी आपको -3 मिलेगा। मतलब इस इंटरवल में आप कुछ भी रखो, कुछ भी रखो, आपको हमेशा आउटपुट क्या मिलेगा? -3। फिर इस इंटरवल में आप कुछ भी रखो, आपको आउटपुट हमेशा क्या मिलेगा? -2। समझ में आ रहा है? तो आउटपुट जो मिलेंगे ना वो बस ये नंबर्स मिलेंगे, ये वाला नंबर, ये वाला नंबर, ये वाला नंबर, मतलब ऑल इंटीजर्स। ये नंबर क्या है? -3 मिलेगा आउटपुट पे, -2 मिलेगा आउटपुट के रूप में, -1 मिलेगा, 0 मिलेगा, फिर इधर आपको आउटपुट के रूप पे 1 मिलेगा। ठीक है, तो जो आउटपुट आपको मिलेगा दैट विल बी y बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, द सेट ऑफ इंटीजर्स, i भी लिखते कभी कभी अपन इसको ना, सेट ऑफ इंटीजर ऐसे। इसका मतलब क्या, इसको ढंग से लिख लो, चलो पहले ना ढंग से लिख लो, सॉरी ऐसे आएगा, डिश क्या हूँ, कहाँ से कहाँ तक चले गए? -2, -1, 0, 1, 2, डिश क्या हूँ। समझ में आ रहा है? ये एक सेट है जो कि सारे इंटीजर्स का सेट है, ये पीछे से भी इन्फिनिटी तक जा रहा है और आगे से भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, लेकिन इसमें है बस इंटीजर्स। ठीक है, सॉरी ये कर्ली ब्रेसेस लगेंगे ना, क्योंकि सिलेक्टिव नंबर्स है ना, रेंज थोड़ी है कि यहां से लेके यहां तक सिर्फ -2, सिर्फ -1, सिर्फ 0 है ना, एलिमेंटल नंबर्स हैं यहाँ पे। तो रेंज और डोमेन आपको समझ में आ रहा है? ओके, नाइस, बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, लिखो भाई फाइंड द डोमेन ऑफ y is equal to 1 upon greatest integer function of x। ठीक है, इसका डोमेन निकालना है आपने को। निकालो इसका डोमेन, सोचते हैं ना। देखो यार, जब भी जीआईएफ आता है तो आपको सोचना है कि इस जीआईएफ को कोई दिक्कत नहीं है कोई भी नंबर को लेने से, है ना, इट कैन टेक एनी नंबर, लेकिन आपको ये डिनोमिनेटर जो है ना, ये डिनोमिनेटर को जीरो नहीं होने देना है, दिस शुड नेवर बी इक्वल टू जीरो। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, बस इतनी सी अपनी डिमांड है। आप एक्स सारे रियल नंबर रख लो, बस वो हटा दो जिसमें ये जीरो हो रहा है ना, वो सारे आप हटा दो। तो देखते हैं, मेरे को बताओ किसी भी नंबर का जीआईएफ जीरो कब होता है? सोचो। नहीं, आप सोच नहीं रहे, सोचो कोई भी नंबर का जीआईएफ जीरो कब होता है? ये रही नंबर लाइन, ये रहा जीरो, ये रहा वन, ये रहा टू, ये रहा -1। तो जीरो कब होगा? जब आप कोई जीरो से वन के बीच का नंबर लोगे, जीरो से वन के बीच का अगर आप कोई नंबर लोगे तब जाके वो जीरो होगा। तो जीरो से वन के बीच का नंबर जैसे 0.4 ले लिया, तो 0.4 का जीआईएफ क्या हो गया? जीरो। 0.3 ले लिया तो इसका जीआईएफ कितना हो गया? जीरो। समझ में आ रहा है? 0.8 ले लिया, इसका जीआईएफ भी क्या हो गया? जीरो। 0.99999 ले लिया, इसका जीआईएफ भी जीरो। तो बेसिकली वो सारे नंबर जो जीरो से वन के बीच में लाए करते हैं, है ना, जीरो पे इंक्लूडेड और वन पे एक्सक्लूडेड। अरे भाई, वन को इंक्लूड कर लोगे अगर आप, तो वन का जीआईएफ तो वन नहीं हो जाएगा, वन का जीआईएफ वन हो जाएगा, वन थोड़ी ना, वन तो एक्सेप्टेबल है डिनोमिनेटर में, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो जीरो से वन, तो हो क्या रहा है एक्चुअली, जब आप एक्स का वैल्यू जीरो से वन के बीच का रखोगे, है ना, तभी दिक्कत जाएगी इस फंक्शन को,
तो आपको ये वैल्यूज नहीं रखना है। शांति से सोचो, जब आप ये वैल्यू रखोगे तो आपको ब्रैकेट एक्स हमेशा क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। अरे जीरो से वन के बीच का ये नंबर से ना 0.3, 0.4, 0.5 ये रखोगे तो आपका डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, जो कि मंजूर नहीं है अपने को, ठीक है ना, वो चीज़ अपने को हटानी है। तो आप क्या बोलोगे कि बस ये नंबर्स अलाउड नहीं है, तो मैं डायरेक्टली क्या बोलूँ, एक्स बिलोंग टू ऑल रियल नंबर माइनस ये वाले नंबर्स। ये एक तरीका हो गया भाई डोमेन लिखने का, गलत थोड़ी है, बिल्कुल गलत नहीं है, ऐसे आप लिख सकते हो डोमेन को। या आप ऐसे लिख सकते हो एक्स बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर जीरो, सॉरी जीरो पर ओपन आएगा ना, जीरो नहीं चाहिए अपने को, माइनस इन्फिनिटी से लेकर जीरो यूनियन वन पर क्लोज्ड आएगा से लेकर इन्फिनिटी। अरे भाई वन डालने से कोई दिक्कत थोड़ी है, वन को हटाना नहीं है, वन को तो रखना है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो भाई ये जीरो और ये वन, तो आप ये बोल दो कि ऑल रियल नंबर का ये पूरा सेट है, इसमें से ये हटा दो, है ना, ये हटा दिया। ये एक तरीका हो गया डिफाइन करने का, या तो ऐसा बोल दो माइनस इन्फिनिटी से जीरो और जीरो पे इंक्लूडेड, ना सॉरी माइनस इन्फिनिटी से जीरो, जीरो पर एक्सक्लूडेड, क्योंकि ये जीरो हो गया तो नीचे डिनोमिनेटर जीरो आ जाएगा, और वन से इन्फिनिटी, वन को इंक्लूड कर लो, कोई दिक्कत नहीं, डिनोमिनेटर बाई चांस वन हो भी जाता है तो इट इज एक्सेप्टेबल, चलेगा। ठीक है, ऑल रियल नंबर माइनस जीरो नहीं आएगा, ऑल रियल नंबर माइनस जीरो टू वन ये पूरा रेंज आएगा, है ना। ठीक है आदित्य, ठीक है, हाँ लिखो इसको, आप लिखो, मैं थोड़ा सा टाइम देता हूँ आपको लिखने को। ओके, इसका रेंज निकालो आप लोग, अगर वाकई में हिम्मत है तो रेंज निकाल के बताओ, तब मैं मानूंगा। चलो देखते हैं। अच्छा मुझे ही बताओ, देखना ध्यान से, आप लोग पेन नीचे रख दो, लिखना छोड़ दो, बहुत प्यार से आगे देखो। ये वाला फंक्शन अगर होता है ना, तो इसकी रेंज क्या होती, ऐसी बोल रहा हूँ, इसकी रेंज क्या होती, ये होती ना माइनस इन्फिनिटी से ये चलता आता, और आपको यहाँ पे माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, ज़ीरो, वन, टू, थ्री, डैश डैश डैश, ठीक है। ये रेंज होती अगर अपने पास सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स होता। अगेन मैंने ब्रैकेट जो है ना वो जोश जोश में गलत लगा दी, लेकिन आप तो होश में बैठे हो, आप लोग सही कर लो। हाँ तो ये लिखा आपके पास वाई इज इक्वल टू ब्रैकेट ऑफ एक्स, सही बात है। अच्छा अगर मैंने इसका उल्टा कर दिया, मेरे को चाहिए क्या, मेरे को चाहिए क्या, वन अपॉन ब्रैकेट ऑफ एक्स, तो इसका रेसिप्रोकल अगर किया मैंने, रेसिप्रोकल किया मैंने, तो बेसिकली देखो इसकी रेंज, इस वाले फंक्शन की रेंज क्या होती है, ये होती है, ये इसकी रेंज होती है, मैंने अभी अभी आपको सिखाया था ना, भूल मत जाना। ऑल इंटीजर्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की रेंज क्या होती है, ऑल इंटीजर्स, क्योंकि उसका काम ही इंटीजर देना भाई रिटर्न में, तो सारे इंटीजर आ सकते हैं। लेकिन अगर मैं वाई इज इक्वल टू वन अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, तब y की जो रेंज हो जाएगी ना वो क्या हो जाएगी, देखना आप ध्यान से, डॉट 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 तो चलेगा, ठीक है। अच्छा डॉट 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 का मतलब क्या होता है, इस तरफ क्या आया होगा, इनफिनिटी, तो बेसिकली वी आर गेटिंग वन बाय इनफिनिटी, समझ में आ रहा है। अच्छा उसके पहले क्या आया होगा, इनफिनिटी से जस्ट छोटा नंबर, तो डजंट मैटर, है ना, डजंट मैटर। जब ये चलता चला आएगा, यहां पर क्या आया, माइनस थ्री, माइनस थ्री का उल्टा क्या होता है, वन अपॉन माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस टू का उल्टा क्या होता है, वन अपॉन माइनस टू, माइनस वन का उल्टा क्या होता है, वन अपॉन माइनस वन, जीरो, जीरो का उल्टा क्या होता है, वन अपॉन जीरो। ओ हो सॉरी हो गया ना, ये तो सॉरी हो गया, सॉरी, वन अपॉन जीरो इज नॉट एक्सेप्टेबल इन द रेंज, क्योंकि भाई जब आपने डोमेन से ही ये नंबर हटा दिया है जीरो से वन, जीरो से वन अगर आपने ये डेसिमल नंबर्स हटा दिए हैं तो आपको आउटपुट में कभी जीरो मिलेगा ही नहीं, है ना, अच्छी बात है नहीं मिलेगा, वरना अपने को ये वन बाय जीरो मिल जाता तो वन बाय जीरो नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा इसको लिख के मैं काट देता हूँ ताकि ना अपने को पता रहे कि किया क्या बने,
फिर क्या आ गया अपने पास 1/1 और ये 2 का उल्टा क्या आ जाएगा 1/2 1/3 समझते हैं ना। अभी अपना पर्पस जो है वो खत्म नहीं हुआ है बट स्टिल वी आर ट्राइंग। ये आगे जाएगा कहां तक जाएगा बच्चों 1/∞ तक जाएगा ठीक है ओके। अच्छा 1/∞ तो अब आपके छोटे भाई बहन भी जान गए होंगे कि ये जीरो होता है ना बट इट इज नॉट एक्यूरेटली जीरो इट इज अप्रोक्सीमेट जीरो। समझ में आ रहा है अप्रोक्सीमेट जीरो है वो। ठीक है तो ये जीरो है लगभग लगभग जीरो ऑलमोस्ट जीरो है ना ध्यान रखना एग्जैक्ट जीरो नहीं है। मैं लिख देता हूँ जीरो से थोड़ा सा बड़ा ही नंबर होगा ऐसा लिख देता हूँ जीरो प्लस। जीरो प्लस तो अपने को समझ में आता है ना जीरो से जस्ट बड़ा नंबर क्या होता है एच ये वाला तो इसको मैं जीरो प्लस लिख देता हूँ ठीक है ना ताकि अपने को थोड़ी सी क्लैरिटी रहे। अगला नंबर क्या आएगा 1/∞ से जस्ट छोटा अगर डिनोमिनेटर आपने जस्ट छोटा कर दिया तो कुछ खास थोड़ी ना फर्क पड़ जाएगा तब भी तो जीरो से जस्ट थोड़ा सा बड़ा नंबर आएगा। तो वी आर गेटिंग जीरो 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 अंटिल एंड अनलेस वी गेट दिस पर्टिकुलर नंबर। इस नंबर को अगर मैं देखना ध्यान से -1/3 को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा तो ये बनता है 0.33 का नेगेटिव और इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 का नेगेटिव ये हो जाएगा -1 का नेगेटिव फिर ये हो जाएगा 1.5 0.33 0.33 के बाद 0.25 आएगा कैसे क्योंकि 1/4 भी होगा ना भाई नेक्स्ट ऐसे में थोड़ा अंदाजा लगा रहा हूँ और लास्ट में ये जीरो पे पहुंच जाएगा ऑलमोस्ट। जीरो माइनस लिखना चाहिए था मेरे को क्योंकि यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी आएगा है ना। कोई बात नहीं जीरो माइनस जीरो प्लस की कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको दर्द हो रहा है ना कि जीरो माइनस क्या है तो मैं बता देता हूँ ये जीरो है जीरो से जस्ट पहले जो नंबर आता है ना जस्ट पहले मतलब आप माइक्रोस्कोप में देखोगे ना तो जीरो से जस्ट पहले जो नंबर आएगा दैट विल बी 0.00001 का नेगेटिव ओके तो दैट इज जीरो माइनस ओके। अच्छा तो देखो रेंज में क्या क्या आया कौन कौन से नंबर आए हैं ना थोड़ा सा अपन जांच पड़ताल करते तो रेंज में सबसे छोटा नंबर जो आ रहा है वो तो चलो जीरो आ रहा है बट एग्जैक्ट जीरो नहीं आ रहा है ना। तो बेसिकली सबसे बड़ा नंबर क्या आ रहा है 1 सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर है 1 तो वो आ रहा है ना और सबसे छोटा नेगेटिव नंबर क्या है -1 वो भी आ रहा है और देखो आप -1 से छोटे जितने भी नंबर है ना इस दुनिया में सब आ रहे ऑलमोस्ट सब आ रहे दिख रहा है आपको क्योंकि जीरो से जस्ट बड़ा नंबर। अरे भाई जब 0.00001 आ रहा है तो 0.00011 भी आएगा 112 भी आएगा सब आएंगे तो आपको बेसिकली देखो यहाँ पे जीरो से लेकर 1 तक सब कुछ मिल रहा है और -1 से लेकर 0 तक सब कुछ मिल रहा है ठीक है। ठंडे दिमाग से सोचो आप सारे डेसिमल नंबर मिल रहे हैं -1 से 1 के बीच में आपको सब कुछ मिल गया -1 से 1 के बीच में अपने को सब कुछ मिल गया सोच के देखो -1 से छोटे सारे नंबर यहाँ पे आ गए जीरो तक सिर्फ जीरो तक तो -1 से जीरो तक सारे नंबर आ गए फिर जीरो से 1 तक सारे नंबर आ गए ना -1 से जीरो तक सारे नंबर आ गए और फिर जीरो से 1 तक सारे नंबर आ गए बस जीरो ना आ पाया तो बस अपने को माइनस जो रेंज हो जाएगी ना दैट विल बी ऑल नंबर बिटवीन -1 to 1 एक्सेप्ट एग्जैक्ट जीरो। तो ये हो जाएगी रेंज किसकी इसकी ठीक है। थोड़ा डिफिकल्ट था इट वॉज अ बिट डिफिकल्ट रेंज जो है वो थोड़ी सी मुश्किल थी आप सोच नहीं पाओगे एक बार में बट अभी अपने को समझ में आ गया है ठीक है ना। मैं एक बार और बता देता हूँ जो अपने रेसिप्रोकल किया तो यहाँ पे अपने को 1/-∞ मिला जो कि क्या होता है -0.00000 ऐसे। तो ये वाला जो नंबर है वो क्या है जीरो से जस्ट छोटा नंबर और ये कहाँ तक जा रहा है -1 तक तो ये -1 तक जाएगा तो सारे नंबर मिल गए अपने को ये वाले और ये वाला नंबर क्या है जीरो से जस्ट बड़ा नंबर तो जस्ट बड़ा नंबर ये होता है जीरो से जीरो ये रहा है ना जीरो से जस्ट बड़ा नंबर ये जस्ट छोटा है तो ये कहाँ तक जा रहा है ये जा रहा है 1 तक तो ये जाएगा 1 तक ठीक है। ओके आई होप आपको समझ में आ गया हो एक बार आप लोग रिवाइज करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे अगर अपन तो प्रॉपर्टीज देखेंगे देखो प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स ठीक है। ये वाला पार्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा मुश्किल भी है थोड़ा सा ज्यादा नहीं
सबसे पहली प्रॉपर्टी जो मैं आपको लिखवाने जा रहा हूं, देखना ध्यान से, कोई भी नंबर दुनिया में, कोई भी नंबर हो, वो हमेशा अपने जीआईएफ से बड़ा होगा। अरे बाप रे, ये क्या कह दिया सर। कोई भी नंबर बोलो 1.12, 1.12 का जीआईएफ क्या 1, हमेशा उससे बड़ा आया नहीं आया? बिल्कुल आया, एंड इट इज कॉमन सेंस। नहीं आएगा जीरो, नहीं आएगा क्वेश्चन जीरो। धनश्री, आपने जो डाउट पूछा है ना, ध्यान से देख रहा हूं, सिग्नम ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स, देखो ध्यान से, साइन क्या आउटपुट में दे रहा है आपको, माइनस वन से वन है ना, माइनस वन से वन आउटपुट दे रहा है, और वही आपको कॉस में इनपुट के तौर पे मिल रहा है। तो कॉस इनपुट में माइनस वन से वन मिलना मतलब माइनस वन डिग्री नहीं मिल रहा है आपको, माइनस वन रेडियन मिल रहा है आपको। इनपुट पे क्या मिल रहा है, माइनस वन रेडियन और प्लस वन रेडियन, जो भी नंबर होते हैं वो रेडियंस होते हैं। तो कॉस को जो अपन फीड कर रहे हैं, जो उसको खिला रहे हैं ना, वो यहाँ से यहाँ तक के नंबर खिला रहे हैं। तो कॉस को यहाँ से यहाँ तक के नंबर अगर खिला रहे हैं, तो वो आउटपुट में कहाँ से कहाँ तक के नंबर देगा, आउटपुट में वो ये वाले नंबर देगा, ये वाले और इनके बीच में नंबर और ये वाला। जीरो कहाँ आया इसमें, देखो अभी जो येल्लो वाला, अभी ये जो येल्लो वाला मैंने बना रखा है ना आपके सामने, ये येलो वाला जो मैंने आपके सामने, अरे यार छोड़ो बाद में, येलो वाला जो मैंने आपके सामने बना रखा है ना, दिस इज द आउटपुट ऑफ कॉस, कॉस को ये आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें मैं अगर गौर फरमाऊंगा तो देखो क्या मिल रहा है, कॉस का आउटपुट, ये आउटपुट वैल्यू मिल रही है, ये आउटपुट वैल्यू मिल रही है, ये आउटपुट वैल्यू मिल रही है, यहां से लेके यहां तक की सारी आउटपुट वैल्यू मिल रही है ना। इसको अगर अपन जूम करेंगे ना, जूम देखो, तो कॉस को जो आउटपुट वैल्यू मिल रही है वो ये मिल रही है, ये सारी आउटपुट वैल्यू जो है वो कॉस को मिल रही है ना। जीरो तो यहाँ पर है भाई, ये है वाई इक्वल टू जीरो, ये थोड़ी ना मिला कॉस को कभी आउटपुट पे, कॉस को इनपुट पे ये नंबर मिले हैं और आउटपुट पे ये सारे नंबर मिले हैं, तो उसने आउटपुट के रूप पे आपको ये वाले नंबर दिए बस। यहाँ पे जीरो नहीं है, है ना, यहाँ पर जीरो नहीं है, क्यों नहीं रहा अच्छे से, ठीक है, तो यहां पर जो है वो जीरो नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात का, जीरो आपका नीचे आ रहा भाई, वाई इक्वल टू जीरो, कॉस जीरो कब होता है, सॉरी कॉस जीरो देखो यहां पर हो रहा है, यहां पर पाई बाय टू पर जीरो हो रहा है, पाई बाय टू पर जीरो हो रहा है, और फिर यहां पे माइनस पाई बाय टू पर जीरो हो रहा है, लेकिन यहां पर जीरो थोड़ी हो रहा है, कॉस यहां पर जीरो नहीं हो रहा है, कॉस यहां पर कोई बहुत अच्छा वैल्यू दे रहा है। मैं आपको लिख के बता सकता हूँ कॉस का कितना वैल्यू, माइनस वन रेडियन। अच्छा देखो, आपको अगर याद रखना है तो रख सकते हैं, कॉस ऑफ माइनस वन रेडियन, ओ ओ वन माइनस वन रेडियन, ये कितना होता है, कॉस ऑफ माइनस वन रेडियन, या तो ऐसा लिख लो कि माइनस वन रेडियन जो होता है ना, दैट इज लगभग लगभग 57 डिग्री है ना, सॉरी माइनस 57 डिग्री, ढंग से लिख दिया जाए, ऑलमोस्ट इक्वल टू माइनस 57 डिग्री, और वन रेडियन जो होता है दैट इज इक्वल टू प्लस 57 डिग्री। 57 को दो मिनट के लिए 60 सोचो, 60 सोच लिया, कॉस 60 कितना होता है, हाफ, कॉस माइनस 60 कितना होता है, हाफ, नॉट माइनस हाफ, कॉस माइनस 60 भी हाफ होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो पॉजिटिव आया ना, और प्लस हाफ से माइनस हाफ के बीच में आपको कोई नंबर पॉजिटिव नहीं मिलेगा, इनफैक्ट आपको 1 मिल जाएगा एक बार, है जो कि अखंड पॉजिटिव है, लेकिन आपको 0 नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाले नंबर्स मिलेंगे आउटपुट पे, और ये वाले नंबर्स क्या है, ये है जीरो, ये वाले नंबर है जीरो, सॉरी ये वाले नंबर है पॉजिटिव। ठीक है, आई होप धनश्री आपको ये चीज समझ में आ गई हो, कोई डाउट हो तो ऐसे पूछ लिया करो आप। ओके, तो कोई भी नंबर जो होता है वो अपने जीआईएफ से बड़ा होता है ना, और एक कॉमन सेंस की बात है यार, किसी भी नंबर का देखो यार, कैसी बात कर देते हो तुम लोग, कोई भी नंबर जो है उसके लेफ्ट साइड में तो जीआईएफ आएगा, है ना, तो लेफ्ट साइड के नंबर से तो वो नंबर हमेशा बड़ा ही होता है ना,
समझ में आ रहा है? तो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स जी आई एफ बट ऑलवेज लेस देन जी आई एफ प्लस वन, है ना? ध्यान से देखिए आप, अच्छा मैंने आपको एक चीज बताई नहीं धनुषी कि अगर सुनो सुनो यहाँ पर अगर ये चीज कभी नेगेटिव नहीं हो रही ना, ये तो हमेशा पॉजिटिव है यार। अरे ऊपर वाला ग्राफ पॉजिटिव है, ये होता तो नेगेटिव होता ना, ये सारे नेगेटिव है। अच्छा जहां तक रहा सवाल जीरो का, तो पहली बात तो अपन ये सोचो कि ये जो येल्लो वाली जितनी भी माला है ना, ये पूरी येल्लो वाली वैल्यूज जो है वो सिग्नम को खिलाया जा रहा है, सिग्नम को वो वैल्यूज फीड कर रहे हैं अपन, ठीक है? तो सिग्नम को क्या मिल रहा है? पॉजिटिव नंबर्स मिल रहा है, सिग्नम के अंदर पॉजिटिव नंबर्स दिए जा रहे हैं। तो सिग्नम के अंदर जब जब आप पॉजिटिव नंबर दोगे तो वो आउटपुट हमेशा वन देगा, जीरो थोड़ी ना देगा, हमेशा वन देगा, तो जीरो नहीं आएगा, इसलिए आप ध्यान रखिए उस चीज का, ठीक है? चलिए, तो कोई भी नंबर जो होता है वो अपने जी आई एफ से बड़ा होता है और जी आई एफ प्लस वन से छोटा होता है। इसको मैं कोई भी नंबर के साथ प्रूफ कर सकता हूँ, जैसे कि आप देख लो 1.12, है ना? यही नंबर ले लिया अपन ने, अभी यही ज्यादा चला रहे मार्केट में अपन, प्लस 1.12। इसका जी आई एफ निकालो क्या आएगा? इसका जी आई एफ आएगा 1। आप अगर गौर फरमाओगे ना तो 1.12 जो है वो अपने जी आई एफ से बड़ा है। इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, इक्वल टू इसलिए लगाते थे क्योंकि कभी कभी इक्वल भी आता है ना, बट अगर और लगे ना, ग्रेटर देन हो या इक्वल टू है, कोई भी एक होगा तो काम चल जाएगा। तो इट इज ग्रेटर देन 1.12, ठीक है? एंड लेस देन, अच्छा ये जी आई एफ है, जी आई एफ कितना? 1 पे एक और 1 जोड़ो, जी आई एफ प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2। तो 1.12 2 से छोटा है और 1 से बड़ा है, है ना? ये सबसे सिंपल तरीका है इस चीज को समझने का भी, ठीक है? लिख डालो इसको, अच्छा जब हम थोड़े से बड़े हो जाएंगे, है ना, तब अपन क्या पढ़ेंगे? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। लेकिन हम लोग इतने बड़े हो चुके हैं कि हमने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बचपन में पढ़ा था, है ना? अच्छा तो एक काम करता हूँ ना, अगर आपको समझ में आता है तो अच्छी बात है, वरना मैं जब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है बच्चों? चलो देखेंगे, मैं आपके सामने एक रिजल्ट लिख रहा हूँ, इसी को तोड़ मोड़ के थोड़ा सा रीअरेंज करके एक रिजल्ट लिख रहा हूँ। वो ये रिजल्ट है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, ये वन जो है इसको इस तरफ भेज दो, क्या आ जाएगा? एक्स माइनस वन। तो जी आई एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स माइनस वन, ठीक है? और इसी जी आई एफ की बात करें तो ये जी आई एफ एक्स से छोटा है, है ना? तो बेसिकली जी आई एफ जो है वो एक्स माइनस वन से बड़ा आ रहा है, और यहां से देखें ब्रैकेट एक्स से छोटा आ रहा है, सॉरी एक्स से छोटा आ रहा है, ये दिख रहा है ना आपको? जी आई एफ इज छोटा देन एक्स, ठीक है? तो मैंने अब इस तरीके से इसको लिख दिया। इसको ज्यादा अच्छे से समझने का तरीका, चलो वो सब बातें तो अच्छा ठीक है, आपको समझ में आ गया, गुड। लेकिन अगर कोई डाउट आए तो ऐसे पूछ लिया करो। ये वाली जो बात है ना, मैंने क्या किया, पहली फिर से बता देता हूँ। पहले मैंने इन दोनों को देखा, यहां से मैंने 1 को इस तरफ भेजा, तो क्या आया? एक्स माइनस वन छोटा है ब्रैकेट एक्स में, खत्म। एंड जो आपका एक्स है वो बड़ा है ब्रैकेट एक्स में, तो एक्स जो है वो बड़ा है ब्रैकेट एक्स में, तो एंड मतलब क्या होता है कि दोनों को एक साथ लिख दिया, तो लिख दिया दोनों को एक साथ, खत्म, ठीक है? चलिए कोई बात नहीं, आपको पहला वाला जो है वो अच्छे से समझ में आना चाहिए, दूसरा वाला जो है अपन लिख सकते हैं उसी तरीके से। ये वाला सेकंड प्रॉपर्टी लिखे, अगर आपके सामने लिखा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस m, है ना, और अगर m इंटीजर है, इफ m इज एन इंटीजर, इफ ये कर्ली ब्रैकेट ऑफ x अपन बाद में समझेंगे, देखो इफ m इज एन इंटीजर तो आप क्या लिख सकते हो उसको, आप इसको लिख सकते हो जी आई एफ ऑफ एक्स प्लस एम। क्या क्या मैंने पहले लिखूं, मैं समझाता हूं आपको। अगर m एक इंटीजर है
इंटीजर मतलब क्या होता है कि आप उस इंटीजर को ब्रैकेट के बाहर निकाल सकते हो, है ना, तो भी आपका आंसर नहीं चेंज होगा। अच्छा करके बताओ सर एक बार, तो माने देखो बहुत आसान, क्या लिखा आपके सामने 1.12, 1.12 को अगर मैं ऐसा लिखूं कि समथिंग प्लस इंटीजर, तो 0.12 प्लस इंटीजर, यही एक बेस्ट तरीका है। आप क्या करो, इस इंटीजर को बाहर निकाल दो, निकालो तो अंदर क्या बचेगा, 0.12 ही बचेगा बस, और बाहर क्या बचेगा, 1। 0.12 का GIF कितना आएगा, 0। अरे भाई ऑब्वियस बात है, और ये 1, आंसर 1 आया, आंसर वैसे भी 1 आता और ऐसे भी 1 आता, ठीक है। तो आप बेसिकली जो इंटीजर है, याद रखना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर अगर कोई इंटीजर है तो उसको आप बाहर निकाल सकते हो, ठीक है, ओके। ये वाला लिखो, ये इंपॉर्टेंट है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ माइनस एक्स, ठीक है, ये दो वैल्यूज ले सकता है, ये या तो जीरो होगा या तो ये माइनस वन होगा, एक मिनट सोचने दो, माइनस वन या वन, ठीक है माइनस वन होगा, माइनस वन होगा, है ना। अच्छा ये जीरो कब होगा, बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, मतलब आप में से कोई भी बता देगा, बताओ ये जीरो कब होगा इन दोनों का सम, जब अंदर प्रॉपर इंटीजर बैठा हो, है ना, एकदम शुद्ध रूप से साक्षात इंटीजर बैठा हो, बिठाओ कोई इंटीजर, एक्स की जगह चार रखो, चार का जी आई एफ और माइनस चार का जी आई एफ, चार का जी आई एफ चार, माइनस चार का जी आई एफ भी माइनस चार, क्योंकि इंटीजर का जी आई एफ तो वही होता है, इंटीजर खुद चार माइनस चार जीरो, तो जीरो कब आ रहा है, इफ x is an integer, okay? लिख लेना ये चार और माइनस चार की कहानी, और अगर इंटीजर नहीं है तो हमेशा माइनस वन आएगा, तो मैं यहां पे अदरवाइज लिख देता हूं, अदरवाइज माइनस वन आएगा, करके देख लो फिर से, चलो अपना सबसे प्यारा नंबर सबसे सस्ता नंबर 1.12 डाल के देखा, मैंने 1.12 अगर मैंने डाल के देखा तो देखते हैं इसका जीएफ कितना हो जाएगा, 1.12 का 1 और माइनस 1.12 का जीएफ क्या आएगा, माइनस 2, सम क्या रहा, माइनस 1, ऐसा हमेशा होगा। अगर अंदर इंटीजर है, सुनना मेरी बात ध्यान से बहुत अच्छे से, अगर अंदर इंटीजर है तो दोनों चीज का, ये ब्रैकेट एक्स और ब्रैकेट माइनस एक्स का सम जीरो आएगा, अंदर इंटीजर नहीं है तो सम माइनस 1 आएगा, खत्म। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने, लिखो इसको, ये सब फोर वोर सब तो एग्जांपल है यार, ये आप लिख के मिटा दो, मैं मिटा दे रहा हूँ, आप लोग लिख लो, चलो कोई नहीं यार, लिखे रहने देते हैं, क्या दिक्कत है, क्लियर यहां तक सबको, कोई तकलीफ, चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन of y is equal to greatest integer function of x minus 1, इसका डोमेन निकालना है आपको, ठीक है, आसान क्वेश्चन है पक्का। क्या करना है आपको, आपको सबसे पहले सोचना है कि सबसे पहले कौन है यहाँ पे, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ रहा है, ये वाला आइटम आ रहा है, स्क्वायर रूट के अंदर ये वाला आइटम आ रहा है, स्क्वायर रूट को अगर खुश रखना है तो क्या करेंगे अपन, इस वाले आइटम को पॉजिटिव करना पड़ेगा, तो मतलब ये जो स्क्वायर रूट के अंदर मसाला है ये जो है डेफिनेटली नॉन नेगेटिव होना चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, समझ में आ रहा है, ये जीरो से बड़ा या बराबर होना चाहिए, विच मीन्स कि ब्रैकेट एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वन, ठीक है। अच्छा अगर ब्रैकेट एक्स अपने को वन से बड़ा चाहिए, वन से बड़ा अगर अपने को ब्रैकेट एक्स चाहिए तो अंदर क्या डाले अपन, कौन कौन सी वैल्यू डाले एक्स की, सोचो 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 सोचो, अगर आपने अंदर डाल दिया जीरो से लेके वन के बीच में कुछ भी, कोई भी नंबर डालो, 0.5 डाल दो, 0.5 का GIF कितना आ जाएगा, जीरो, आपको क्या चाहिए, वन से बड़ा, अगर वन से बड़ा आपको चाहिए तो बेसिकली आपको क्या डालना पड़ेगा, x, हाँ देखो भाई इधर क्या आ गया, जीरो से लेके वन,
ब्रैकेट एक्स के आगे आपका वन से बड़ा, तो वन से बड़ा कब आएगा ब्रैकेट एक्स? अगर आपने यहां से यहां तक का नंबर रखा तो आपको हमेशा आंसर क्या मिलेगा? जीरो, लेकिन वन नहीं मिलेगा। वन से बड़ा आंसर आपको चाहिए अगर, तो आपको वन से बड़े नंबर रखने पड़ेंगे। वन से बड़ा नंबर रख के देखो, एग्जैक्ट वन रखो, वन का जे आई एफ क्या आएगा? वन, चलेगा? अच्छा, वन से कोई भी बड़ा नंबर डालो, 1.5 डालो, 1.5 का जी आई एफ क्या आएगा? वो भी वन आएगा, समझ में आ रहा है? अच्छा, 2 डालो, 2 का जी आई एफ क्या आएगा? वो 2 आएगा, लेकिन 1 से तो बड़ा है ना। तो आपको 1 से बड़ा अगर रखना है, तो आपको अगर 1 से बड़ा आंसर चाहिए तो आपको वैल्यू भी 1 से बड़ी डालनी पड़ेगी। तो एक्स जो होगा वो 1 से लेकर इन्फिनिटी होना चाहिए, समझ में आ रहा है आपको? एक्स 1 से लेकर इन्फिनिटी होना चाहिए। अगर x 1 से लेकर इन्फिनिटी हुआ तब जाके ब्रैकेट x जो होगा वो 1 से बड़ा आएगा, है ना? ब्रैकेट x 1 से बड़ा आएगा तो ये चीज पॉजिटिव रहेगी, अंडर रूट खुश रहेगा, ठीक है? चलिए, दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, इसका डोमेन निकालना है, फाइंड डोमेन। y is equal to under root of 4 minus greatest integer function of x। निकाल लोगे? पक्का? क्या बात कर रहे हो, निकालो। निकालो निकालो, मैं तो मस्ती कर रहा हूं। चलिए कोशिश करते हैं ना। देखो भाई, अंडर रूट के अंदर का आइटम जो होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए, बस इतनी सी बात है। अंडर रूट के अंदर का जो भी आइटम हो दैट शुड बी पॉजिटिव। तो लिख दो आइटम क्या है, 4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। ये क्या होना चाहिए? ये नॉन नेगेटिव होना चाहिए, है ना? जीरो भी चलेगा, इस कारण अपन बोलते हैं नॉन नेगेटिव। तो यहां से क्या मिल जाएगा आपको? अच्छा, ये चलो कोई बात नहीं, मैं ये वाला जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ना उसको ग्राफ से बता दूंगा। तो ये वाला जो चीज है माइनस ऑफ ब्रैकेट एक्स, इसको राइट हैंड साइड पे फेंक दोगे अगर, तो आपके सामने क्या आ जाएगा? LHS में तो 4 आ जाएगा, RHS में आ जाएगा ब्रैकेट x, है ना? इसको ढंग से लिख दो आप, ब्रैकेट x को इधर लिख दो और लेस देन का साइन इस तरफ है, ये आ गया। अच्छा, ब्रैकेट x जो है वो हमेशा 4 से छोटा आना चाहिए, 4 से छोटा आना चाहिए ना। तो 4 से छोटा आने के लिए आप चाहे तो ग्राफिकली सोच लो या एनालिटिकली सोच सकते हो, जैसा आपको सोचना। एनालिटिकली सोचोगे तो मैं आपको पहले एनालिटिकली सोच के बता देता हूँ कि यार, जब भी किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 4 से छोटा चाहिए तो वो नंबर कहां से कहां तक होना चाहिए? अच्छा सोचो पहले, एग्जैक्ट 4 कब आएगा? जब आप यहां पे एग्जैक्ट 4 रख दो, ठीक है? लेकिन अगर आपने 4 से जस्ट बड़ा नंबर रखा तो भी आपको 4 मिलेगा, विच इज अलाउड। अरे भाई, इक्वालिटी लगी इधर, इक्वालिटी लगी, ये तो अलाउड है। अगर आपने और बड़ा नंबर रखा 4.5 तो भी आपका जी आई एफ 4 आएगा, अलाउड है। तो ये सब नंबर अभी सही चल रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, 4.99999 बहुत सारे 9 ये रख दिया आपने, तो इसका जी आई एफ भी क्या आएगा? 4 आएगा, मतलब यहां तक सारे नंबर अलाउड है। जैसे ही आपने 5 रखा तो 5 का जी आई एफ क्या आएगा? 5 ना, ये गड़बड़ है। तो 5 नहीं रखना है आपको, ठीक है? 4 से छोटा चाहिए आपको अगर, तो लास्ट नंबर दैट यू कैन पुट इन साइड दिस जी आई एफ वो क्या होना चाहिए? 5 से जस्ट छोटा नंबर। तो एक्स क्या आ जाएगा, देखो इधर से एक्स आ जाएगा 5 से छोटा और ओपन ब्रैकेट, क्योंकि 5 एग्जैक्ट नहीं चाहिए, एग्जैक्ट 5 तो 5 होता है ना, अपने को 4.99 तक चाहिए, क्योंकि 4.99 आपको 4 देगा। तो 5 और पीछे कहीं तक भी चले जाए, माइनस इन्फिनिटी रख दो, क्या फर्क पड़ता है, समझ में आ रहा है? अरे पीछे आप कोई भी नेगेटिव नंबर रख दो, माइनस 0.25 रख दिया मान लो, है ना, ऐसे ही मान लो। तो इसका जी आई एफ कितना आ जाएगा? -1। 4 से तो छोटा है ना, 4 से छोटा चाहिए आपको। आप अगर माइनस इन्फिनिटी भी पकड़ लेते हो तो उसका जो भी जी आई एफ आएगा वो 4 से तो छोटा ही आएगा, नेगेटिव है ना। तो ये आपका आंसर हो गया, आपका आंसर क्या हो गया? माइनस इन्फिनिटी से लेकर 5। ग्राफिकली अगर अपने को सोचना है तो यू कैन ड्रॉ द ग्राफ। देखो ग्राफ इसका कैसा होता है, मैं ग्राफ पहले बनाने जा रहा हूँ। डार्क से हॉलो ना, डार्क से हॉलो, डार्क हॉलो, डार्क हॉलो, डार्क हॉलो, डार्क हॉलो, ऐसा। और ये पॉइंट क्या था? 1, 2, 3, 4, ठीक है? ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है और ये 4 है।
ठीक है। और ये लाइन क्या होती है, वाई इक्वल टू जीरो, यहाँ पे आपको जीरो मिल रहा है, यहाँ पे वन मिल रहा है आंसर, यहाँ पे टू मिल रहा है, यहाँ पे थ्री मिल रहा है, हमको तो फोर तक चलेगा आंसर, तो एक और लाइन चलेगी, ठीक है, यहाँ पे आपको फोर मिल रहा है। अच्छा, इसके ऊपर आपको फाइव मिलने लगेगा, है ना, इसके ऊपर आपको फाइव मिलने लगेगा, वाई इज इक्वल टू फाइव, ये अपने को नहीं चाहिए। तो हमको बेसिकली ये फोर जहाँ तक मिल रहा है ना, ये वाले नंबर जो है, इसके पहले सारे नंबर जो है वो हमको चाहिए, ठीक है। तो इसके पहले के जितने नंबर है वो क्या, पांच से छोटे नंबर खत्म, एग्जैक्ट फाइव नहीं रखना है ना, क्योंकि हॉलो लगा इधर, और एग्जैक्ट फाइव रखने पे मेरा कॉमन सेंस ये भी कह रहा है ना कि ये फिर जी आई एफ फाइव हो जाएगा, चार से बड़ा हो जाएगा। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि वाई जो होगा दैट विल बी लेस देन फाइव, सॉरी एक्स विल बी लेस देन फाइव, या ऐसा बोल दो कि एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू फाइव। तो मैंने आपको ग्राफिकली भी सोचना बता दिया और ऐसे भी बता दिया, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो नहीं आएगा, माइनस इन्फिनिटी टू फाइव आएगा, ठीक है। चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन को मुश्किल कैसे बनाया जाता है। मान लो मैंने आपको पहला क्वेश्चन ये दिया होता ना कि फाइंड डोमेन, फाइंड डोमेन y इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, ये क्वेश्चन नंबर वन अपन ने किया था, ये अभी वाला क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को अगर ऐड कर दिया, है ना, देखो ना मैंने अभी करवाया था आपको, शायद यही करवाया था, हाँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस वन और फोर माइनस जी आई एफ, दोनों का डोमेन निकालना है, माइनस इन्फिनिटी टू फोर भी गलत है, माइनस इन्फिनिटी टू फाइव आएगा, है ना, समझ में आ रहा है, गलती पकड़ में आ रही है आपको, अच्छी बात है। चलिए तो इसका डोमेन मैं निकाल चुका हूँ, इसका डोमेन क्या है, x बिलोंग्स टू, अभी मैं भूल गया, वन टू इन्फिनिटी होना चाहिए ना, चलो, और इसका डोमेन अभी अभी अपन निकाला, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर पाँच, पाँच पे ओपन, फिर से बना दो अच्छे से। अच्छा, मैंने बताया था जब भी दो फंक्शंस ऐड होते हैं तो उनका डोमेन क्या लेते हैं, अपन कॉमन लेते हैं, है ना, दोनों का डोमेन आप लोगों की कॉमन, ये तो अपन सीख चुके ना, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स करते, तो इसका डोमेन इंटरसेक्शन इसका डोमेन, ठीक है, तो अब उसी का एप्लीकेशन है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लो, ये रहा वन और ये रहा फाइव, तो वन से लेकर इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी से लेकर फाइव, कॉमन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स बिलोंग्स टू वन, रुको रुको ठहरो जरा, वन पे क्लोज्ड और फाइव पे ओपन, क्लियर, गुड, समझ रहे हो। अब मैं इस क्वेश्चन को कितना भी मुश्किल बना सकता हूँ, मैंने यहाँ पे अगर कुछ और भी जोड़ दिया ना ऐसे करके कि माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस सेवन, ऐसा भी कुछ लिख दिया ऊपर टांग सकते हो, तो आप इसका निकाल दो, तीनों का इंटरसेक्शन ले लो, कोई बहुत मुश्किल थोड़ी है काम, समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन जो है मैं आपको सबसे पहले आसान वर्जन बताता हूँ क्वेश्चन का, और फिर उसके बाद बताता हूँ कि डिफिकल्ट उसको कैसे बनाते हैं, अपीयरेंस को डिफिकल्ट बना के, है ना, बहुत ही बढ़िया आदित्य, आपका आंसर सही था, है ना, इस बार ब्रैकेट भी सही लगे, बहुत ही बढ़िया, शानदार, ऐसे ही आपको सही आंसर देना है, अभी आगे लिखे, फाइंड द डोमेन ऑफ लॉग टू द बेस 10, और लॉग के सामने जो आइटम है वो क्या है, ये है रूट थ्री माइनस अंडर रूट ऑफ 7 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, कैसे करेंगे, स्टार्ट करते हैं। देखो भाई क्या लिखा है, लॉग और फिर यहाँ पे अंडर रूट लिखा है, तो दोनों को खुश करना है, डोमेन निकालना, तो आपको देखना है कौन कौन सी एक्स की वैल्यू रखना यहाँ पे गलत होगा या सही नहीं होगा, है ना, जैसे यहाँ पर डोमेन आपका आया था वन से लेकर फाइव, तो फाइव से बड़ा नंबर अगर डाल के देखते ना, डाल के देखो यहाँ पे फाइव से बड़ा नंबर को भी डालो, सिक्स डालो, सिक्स डाला आपने तो सिक्स माइनस वन रूट फाइव, इसको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सिक्स डालो तो फोर माइनस सिक्स माइनस टू, नॉट डिफाइंड आ गया ना, तो सिक्स ऐसा एक्स का वैल्यू है जो कि अच्छा नहीं है, जो इस फंक्शन को खुश नहीं रख पा रहा है, है ना, तो अपने को फंक्शन को खुश रखने के लिए उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करना है, जैसे लॉग, लॉग का आर्ग्यूमेंट सबसे पहले आप देख लो क्या लिखा है, ये
ये है लॉक का आर्ग्यूमेंट, और लॉक का आर्ग्यूमेंट जो भी होता है वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, एंड अंडर रूट ऑफ समथिंग। ये अंडर रूट 3 को कोई दिक्कत नहीं है, ये तो एकदम खुश है अपनी जिंदगी में, लेकिन यहाँ पर जो अंडर रूट लगा हुआ है उसके सामने अंदर क्या है, 7 - x2। तो 7 - x2 जो है वो क्या होना चाहिए, वो भी पॉजिटिव होना चाहिए ताकि ये अंडर रूट जो है वो खुश रहे। अरे भाई, जब भी आपको अंडर रूट दिखे तो आप लगा दो कि अंडर रूट के अंदर वाला आइटम क्या हो, नॉन नेगेटिव। अब इन दोनों को सॉल्व करना आपके बाएं हाथ का खेल है। करूँ सॉल्व? देखो, इसमें ये जो चीज़ है इसको राइट हैंड साइड फेंक दोगे अगर, तो क्या बचेगा आपके पास, आपके पास बचेगा अंडर रूट ऑफ 7 - x2। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करोगे तो 3 इज लेस ग्रेटर देन 7 - x2। ठीक है, एक्स स्क्वायर को उस तरफ पहुंचा दो तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 7 - 3। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4। ठीक है, अंडर रूट मत ले लेना गधों की तरह, 4 को इस तरफ बुलाओ, 4 को इस तरफ बुलाओ और एक्स स्क्वायर माइनस 4 लिखो, ग्रेटर देन 0। फिर आप a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगाओ, फिर आप वीवी कर्व मेथड लगाओ या डायरेक्टली बोलो x बिलोंग्स टू ग्रेटर देन, है ना, तो ये बड़ा वाला इंटरवल आया, माइनस इन्फिनिटी टू छोटा रूट, यूनियन बड़ा रूट टू इन्फिनिटी। ओके, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर 7 - x2। मैं इस नंबर को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ ताकि ये खूबसूरत बन जाए, तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7, और इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। बस यहाँ से आप कर दो, ये इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में तोड़ दो, दिस इज लेस देन इक्वल टू 0। ये 7 जो लिखा है ना, क्या है, रूट 7 का स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा आपको, देखो क्या लिखा है, लेस देन लिखा है ना, तो चलो वीवी कर्व से बनाना है तो वीवी कर्व से बना दो, ये डायरेक्ट बनाना है तो डायरेक्ट बना दो, आप लोग दोनों तरीके से कर सकते हो। तो आपका x क्या आ जाएगा, ये वाला माइनस रूट 7 से लेके प्लस रूट 7, है ना, दोनों पे एक स्क्वायर ब्रैकेट आएगा क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन लगा है। यहाँ पे आप चाहे तो डार्क भी लगा सकते हो अगर आप भूलने की आदत रखते हो तो। इन दोनों का आपको इंटरसेक्शन लेना है, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेना बहुत आसान है। रूट 7 कितना होता है लगभग, जल्दी बताओ मेरे को, रूट 2 कितना होता है 4, रूट 9 कितना होता है 3, सॉरी रूट 4 होता है 2, रूट 9 होता है 3, तो रूट 7 कितना होगा, 2 point something होगा, है ना, तो 2 point something लिखा है, ध्यान रखना है, -2.7 मान लेता हूँ लगभग। ठीक है, 25 होता है ना, हाँ ऑलमोस्ट 2.7 ही आएगा ऐसा मेरा मानना है। तो ये -2.7 और ये +2.7 है, मार्क करते नंबर लाइन में, सबसे पहले कौन आएगा, -4, फिर आएगा -√7, फिर आएगा +√7 और फिर आएगा 4, तो -∞ से -4, यूनियन 4 टू इन्फिनिटी, फिर आएगा आपके पास ये वाला -√7 से, ओ यहाँ गड़बड़ हो गई ना, यहाँ गड़बड़ हो गई थी, सॉरी, यहाँ पे 2 आएगा और 2 आएगा और यहाँ पे -2 आएगा और यहाँ पे +2 आएगा। ठीक है, तो वीडियो स्टॉप बता रहे हो आप लोग, दो मिनट रुक जाइए, जो YouTube पे देख रहे हैं वो आगे कर सकते हैं इसको, 10-15 सेकंड आप आगे कर दो। ओके, तो वीडियो इज बैक, लेकिन देर आर सम इश्यूज विच आई विल ट्राई टू, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है ना, हाँ यहाँ पे आप +2 और -2 कर देना, +2 एंड -2, तो ये -4 नहीं आएगा एक्चुअली,
माइनस टू आएगा, माइनस टू इधर आएगा, फिर माइनस रूट सेवन आएगा, ठीक है, नहीं माइनस रूट सेवन इधर आएगा, फिर यहाँ माइनस टू आएगा, फिर टू आएगा, फिर रूट सेवन आएगा, ठीक है, एक बार मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है, ये करेक्ट कर देना, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू, यूनियन टू टू इन्फिनिटी, फिर माइनस रूट सेवन से प्लस रूट सेवन, ओके, तो ये आ गया आपका आंसर, तो एक्स आ जाएगा आपका माइनस रूट सेवन से लेकर माइनस टू, दोनों में हॉलो आ रहा है ना, देखो यहाँ पे भी एक हॉलो आ गया, इधर भी एक हॉलो आ गया, तो दोनों तरफ हॉलो आ रहा है, टू टू रूट सेवन, लिखो भाई फाइंड डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस टू, थोड़ा ऐसे आपको ट्विस्ट करके देता हूँ कि अंडर रूट ऑफ x माइनस टू अपॉन अंडर रूट ऑफ x माइनस थ्री, ठीक है, ये लिखा है आपके सामने, इसका डोमेन निकालना है, बड़ा आसान है, ऊपर वाला अंडर रूट जो है उसके अंदर का आइटम क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, एंड नीचे वाला अंडर रूट जो है उसका भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू जीरो यहाँ पे मत लगा देना है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं चलेगा, तो आपको इक्वालिटी वाला जो पोर्शन है वो हटाना पड़ेगा डिनोमिनेटर के लिए, ठीक है, कर लोगे इसको सॉल्व, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू एंड एक्स ग्रेटर देन थ्री, इन दोनों का अगर आप आंसर निकालेंगे तो आ जाएगा आपके पास x greater than 3, इंटरसेक्शन ले लोगे ना आप दोनों का, या लिख दो आप इसको x belongs to 3 to infinity, ओके, आई कैन सी कि आज थोड़े से इशू आ रहे हैं अपने पास, ओके आई एम, थोड़ा सा बफरिंग हो रहा होगा, थोड़ा सा बियर करना, बस 5 मिनट की बात है, तो फाइंड द डोमेन ऑफ अंडर रूट ऑफ x माइनस टू अपॉन x माइनस थ्री, ठीक है, तो देखो भाई ये वाला क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं, फिर आज का लेक्चर जो है खत्म करते हैं, करो सॉल्व करो उसको,
तो देखो भाई, अपने पास दो अंडर रूट है। पहला वाला जो अंडर रूट है उसमें ये वाला आइटम है, तो ये पूरा मसाला लिख दो आप। क्या लिखोगे? मॉड ऑफ एक्स, सॉरी, अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री, ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, फिर अपन आए, हमने देखा कि अच्छा एक और अंडर रूट है अंदर, तो इसके अंदर वाला जो आइटम है वो क्या होना चाहिए? वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा? x ग्रेटर देन इक्वल टू टू। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू, और यहां से अपन अगर सॉल्व करेंगे तो आपको याद है बच्चों, मैं आपको पढ़ाता था वीवी कर्व मेथड, तो x माइनस टू अपॉन x माइनस थ्री लिखते थे अपन। x माइनस टू अपॉन x माइनस थ्री लिखते थे, और यहां पर अगर मैं स्क्वायर लगा देता था तो ये इवन पावर हो जाती थी, है ना, इवन पावर हो जाती थी। तो ये टू और थ्री अपन मार्क करते थे और इवन पावर में अपन एरो लगाते थे, फिर आप ऐसे आते थे और एरो पे आप रिफ्लेक्ट कर जाते थे, तो आपका यहाँ पे प्लस माइनस माइनस आता था, है ना। जब भी आपके पास इवनथ पावर होती है, इवनथ रूट होता है, तब आप उसको इवनथ पावर की तरह ट्रीट करेंगे। जैसे ये टू जो है और ये थ्री है, इसको आप इवनथ पावर की तरह ट्रीट कर लो, तो आपका जो ग्राफ है वो ऐसा आएगा और यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस और ये प्लस, आपको क्या चाहिए? सिर्फ प्लस चाहिए। और यहाँ पे ध्यान देना, आपको टू जो है दैट इज अलाउड, टू होना जरूरी है, क्योंकि आपको जीरो जो है वो चाहिए ना यार, तो टू लेने से कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, प्लस वाले में क्या करना, एक्स बिलोंग्स टू थ्री टू इन्फिनिटी, मैंने थ्री को नहीं रखा है क्योंकि थ्री डिनोमिनेटर में है ना, और टू जो है उसको मैं जानबूझ के इंक्लूड करूंगा, यूनियन टू। ठीक है, और यहां से आंसर क्या आ रहा है? एक्स बिलोंग्स टू 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 इन्फिनिटी। ठीक है, इन दोनों का आप क्या ले लो? इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन ले लोगे, तो देखो ध्यान से, ये आ गया टू, ये आ गया थ्री, तो टू टू इन्फिनिटी और ये थ्री टू इन्फिनिटी, इन दोनों का कॉमन एरिया ये आ जाएगा ना, तो एक्स बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा आपके पास? थ्री टू इन्फिनिटी विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, आपको अगर इनइक्वालिटीज फिर से सॉल्व करनी है तो प्रलिप को से आप सॉल्व कर सकते हो, अगर किसी को चाहिए पर्सनली तो मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको प्रलिप को बुक का वो पार्ट प्रोवाइड कर दूंगा जहां आपके इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, फाइंड द डोमेन ऑफ एक्स माइनस फाइव इंटू एल एन स्क्वायर एक्स माइनस थ्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन सेम, फाइंड द डोमेन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टेन इंटू एल एन स्क्वायर एक्स माइनस थ्री। ठीक है, चलो ये दोनों क्वेश्चन आप सॉल्व करो, फिर अपन यहां से कल कंटिन्यू करेंगे। सही, अगर आपको इनइक्वालिटीज फिर से पढ़ना है तो मैंने आपको जो वीडियो है बताया, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लेक्चर नंबर थ्री, लेक्चर नंबर थ्री आपको जो है वो इनइक्वालिटीज वहां पे पूरा बेसिक्स मिल जाएगा। ठीक है, और एक बार प्रलिप को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपका मन है तो, वरना आप यहीं से सीखे थोड़ा थोड़ा इनइक्वालिटी, अगर आप भूल गए हो बाय चांस, वैसे भूलने का कोई पॉइंट नहीं बनता है। ठीक है, फिर कल मिलते हैं अपन बच्चों, है ना।